हिमांशु के पास मैं जाऊंगी, लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं और कुछ पुलिसकर्मी भी हैं, क्या उनसे बातचीत हो सकती है? किस तरह से वो सुरक्षा व्यवस्था को पूरा पर्याप्त बनाए हुए हैं यहाँ पर? ठीक है, मैं बात करता हूँ। सर, आप सुबह से ड्यूटी पे लगे, किस तरह से आप ड्यूटी निभा रहे हैं और कितने लोग अब तक मतदान के लिए जा चुके हैं और क्या कुछ जागरूकता दिखती है आपको? युवा लोग आ रहे हैं और क्या पुलिस के साथ किसी और भी अर्धसैनिक बल या किसी को लगाया गया? बीएसएफ या कोई और? बीएसएफ लगी है। पूरी व्यवस्था। अगर कोविड की बात की जाए, इस बार कोविड के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हिमांशु, एक मिनट जरा इनको ठीक से फ्रेम में लेकर आइए, तब इनसे पूछिए, क्योंकि इनका चेहरा फिर नहीं दिख पा रहा है। ओके मैम, ओके, फ्रेम सही से लो, फ्रेम में चेहरा नहीं आ रहा भैया। सबसे पहले सर, आप आज ड्यूटी पे लगे हैं, कैसा है, क्या कुछ माहौल लग रहा है यहाँ पर? काफी युवा लोग आ रहे हैं, अच्छी पोलिंग हो रही है और पुलिस पार्टी जो है मुस्तैद है और मतदान केंद्रों पर मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाए और सभी को मास्क पहनने की सलाह दी जाए। बिल्कुल मैम, साफ तौर पर बताया कि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, साथ में बीएसएफ भी लगाई गई है और कोविड प्रोटोकॉल की अगर बात की है तो बिना मास्क के एंट्री नहीं की जा रही है और साथ ही साथ जो मतदाता मतदान करने आ रहे हैं उनको अंदर मोबाइल ले जाने के लिए भी नहीं अनुमति दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मतदाता जो आ रहे हैं वो अपना मोबाइल फोन या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो बाहर ही जमा करके उसके बाद ही अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, यानी ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था भी पर्याप्त की हुई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी लगातार बनी हुई है। ऐसे में कुछ और भी मतदाता आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ और बहुत अच्छे से जो मतदान केंद्र है उसे सजाया हुआ है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए।